अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड या ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको कैसे किसी एलिमेंट के ऊपर या आयन के ऊपर असाइन किया जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम, किसी एटम के ऊपर या आयन के ऊपर जो उसका अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट चार्ज वो होता है जो कि उसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं। ठीक है जी, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड Cl इज -1। हाइड्रोजन का +1 है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक रिलीज़ कर रहा है और पीछे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, और क्लोरीन जो है वही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन नंबर ऑफ आर एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब है कि सिंपल एटम की हवा में पाया जा रहा है, तो उसके ऊपर 0 उसका ऑक्सीजन नंबर होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरा है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इन द इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। जिस तरह से आयन के ऊपर चार्ज होता है, सिंपल आयन के ऊपर चार्ज लिखा जाता है सिंगल एटम का, इसी तरह ऑक्सीजन नंबर भी सिंगल एटम का ही होता है। दूसरी बात, आगे ऑक्सीजन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज ग्रुप इन ग्रुप 1 इट इज +1, ग्रुप 2 +2 एंड ग्रुप 13 इट इज +3। मतलब है कि पहले ग्रुप में का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा, दूसरे का +2 होगा, बट तीसरे का माइनस में चला जाएगा -1। वो आपने पीरियड टेबल में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि कैसे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। और ग्रुप 13 जो होगा वो उसका +3 होगा, ग्रुप 14 का +4, ग्रुप 15 का +5, ग्रुप 16 का +7 और ग्रुप 18 का +8 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से चलता जाएगा। द ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज +1। ऑक्सीजन नंबर हाइड्रोजन का हमेशा +1 ही होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन जब वो मेटल हाइड्राइड बनाता है, क्योंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इसलिए वहाँ पर फिर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एटम एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से लेके स्टेबल हो जाएगा और इस वक्त उसका द ऑक्सीजन नंबर होगा वो -1 होगा। तो आगे आ जाए, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज, अब ऑक्सीजन का -2 होता है हमेशा ही, और बट इट इज -1 इन पायरोक्साइड। पायरोक्साइड जो होते हैं वो F2 जो है इसमें इसका +1 है, अगर दो F है तो +2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 होगा और F2 माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, पायरोक्साइड में -1 और OF2 में +2 होगा, बाकी सब मेंबर्स के अंदर -2 ही होगा। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जितना एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर भी उसका नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा और उतना ही उसका नेगेटिव में चला जाएगा। इन न्यूट्रल मालिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। जब एक एटम एक मालिक्यूल न्यूट्रल है, मतलब दो एटम से मिलकर बना है, एक का +1 है दूसरे का -1 है, तो वो +1 और -1 0 हो जाएंगे, तो उसके ऊपर भी 0 लिखा जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद इन आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। उसके अलावा अगर आयन की बात करेंगे तो आयन के अंदर भी जो उसका अलजेब्रिक सम होगा, मतलब दोनों एलिमेंट का जो सम होगा उस आयन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें रिमेंबर लिखा हुआ, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाय साइन ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रसीड द नंबर। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो साइन प्रसीड करता है नंबर को, मतलब साइन पहले आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर जब वो बाद में आएगा। ठीक है, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम आयन और मालिक्यूल विच इज़ कॉल्ड वैलेंसी इज रिटन एज द साइन फॉलोड बाय द नंबर। लेकिन जब वैलेंसी लिखेंगे उसकी, अब वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर तक एक ही चीज़ होती है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो वो प्लस उसमें पहले साइन लिखा जाता है, और बाद में नंबर, जब वैलेंसी की बात करते हैं तो उसमें पहले नंबर लिखा जाएगा और बाद में साइन आएगा। अब आप इसमें ये इसकी एग्जांपल है, 7.1 ज़रूर करेंगे, 7.2 भी करेंगे, 7.3 भी करेंगे, इसमें मुख्तलिफ इसको आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें पहले बता दूँ, इसमें उसने कहा HNO3 है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है, सॉरी हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो आपने नाइट्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 कौन सा, ये ऑक्सीजन के साथ जो 3 लगा हुआ है, और साथ में ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब हाइड्रोजन का उसने बताया +1 है, प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हमने निकाला है, तो वैसे लिख देंगे, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ऑक्सीजन का -2 है, ये +1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस
प्लस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ये प्लस वन भी उधर जाके माइनस वन, ये माइनस सिक्स उधर जाके प्लस सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स माइनस वन इजिकल टू प्लस फाइव। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, प्लस फाइव होगा। इसी तरह ही ये दूसरी भी एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से देखेंगे और इसकी टेस्ट योरसेल्फ मैं आपको सेंड कर दूँगा।